अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त मोहम्मद मुनीब जावेद और आप देख रहे हैं मुनीब जावेद यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज काफी दिनों बाद एक दफा फिर हम लाइव आए हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट्स में क्वेश्चंस कर रहे थे कि जो मैं उनको अक्सर रिप्लाई दे भी देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे और थोड़े तफसील वाले थे, बताने वाले थे, ताकि मैंने सोचा कि एक लाइव स्ट्रीम हो जाए जिसमें आप सब लोगों के सवालों के जवाब मैं दे सकूँ। तो जो भाई भी लाइव स्ट्रीम पे आया, पहले काइंडली बता दें कि आपको आवाज क्लियर आ रही है, आवाज में कोई इशू नहीं है, फिर हम आगे बात स्टार्ट करें और Q&A शुरू करें। हेलो, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जो भाई भी देख रहे हैं वो एक दफा मैसेज कर दें कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं। ओके, हो गया, क्लियर आ रही है। तो कैसे हैं भाई लोग, आप लोग सब कैसी चल रही है आपकी फ्रीलांसिंग, कैसा चल रहा है आपका फाइवर, कैसा चल रहा है आपका अपवर्क, जहां जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं? YouTube वीडियो भाई कह रहे हैं कि क्लियर, थैंक यू भाईजान, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत सही है भाई, गुड हो गया, अल्लाह आपको और तरक्की नसीब करे। आज ये भाई बहुत सारे भाई ये कमेंट्स कर रहे थे, कमेंट्स में अक्सर ऐसे सवाल कर रहे थे कि जिनके जवाब थोड़े से लंबे थे, तफसील से समझाने वाले, तो मैंने सोचा कि एक लाइव स्ट्रीम हो जाए जिसमें आप सब लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एनी टास्क के हवाले से हैं या फिर वो फाइवर के हवाले से हैं या अपवर्क के रिलेटेड हैं, तो वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों का भाइयों में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अगर मुझे मालूम हुआ तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूंगा, जितना मुझे पता होगा मैं उतना तो आपको लाजमी बता दूंगा, उतना तो आपको लाजमी तौर पे गाइड कर दूंगा। सर थैंक यू, मैंने फाइवर से, शहरोज अली हैं जी, सर थैंक यू, मैंने फाइवर से, आप फाइवर थम और गिग की इमेज प्रोफाइल बनाई और मैंने 300 कमा लिए हैं, गुड हो गया, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा कमाने की तरह नसीब। अब यही बात मैं कहता हूँ कि अक्सर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बात कहता हूँ, वीडियो में भी आपको बताता हूँ कि यार शॉर्टकट्स के चक्करों में मत पड़े रहें। एक बंदा जो एक फाइवर पे गिग बनाता है वो 10 घंटे लगा के गिग बना रहा होता है, ठीक है, और एक बंदा जो है वो 1 घंटे या 1.5 घंटे में गिग बना देता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि जो गिग जो है वो 8-10 घंटे लगकर बनी है और जो 1-1.5 घंटे में गिग बन गई है, उन दोनों में फर्क जरूर होता है, ठीक है ना। अगर आप फाइवर पे गिग बनाते हैं मुकम्मल सर्च करने के बाद, टैग, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, लो कंपटीशन यूज करते हैं। अब मैं फाइवर की कम से कम 60-70 स्किल ऐसी सिखा चुका हूँ जिनमें 500 से कम जो है वो कंपटीशन है, कोई 1-2 होगी जिसमें 1000-1200 सर्विसेज अवेलेबल होंगी। आप फाइवर स्किल कोर्स में जाके देख लें कि 1000 सर्विसेज से कम जो है मैं कम से कम 50-47 वीडियोस हो चुकी हैं, और अक्सर वीडियोस में मैं 5 स्किल 3 स्किल 2 स्किल 1 स्किल सिखा देता हूं, ठीक है ना, बता देता हूं आपके साथ, शेयर कर देता हूं, और अक्सर का मैंने तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि भाई ये काम इस तरह होना है, ठीक है। तो जाए भाई लो कॉम्पिटिशन स्किल पे जाके, लो कंपटीशन गिग पे जाके अपनी गिग बनाया करें जिसमें सर्विसेज कम हो, ताकि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाए। अब ये शहरोज अली भाई आप लोगों के सामने हैं, जिनका इनका अगर कमेंट आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हैं कि सर मैंने गिग बनाई और मैंने किस पे, इन्होंने इमेज गिग इमेज पे, ठीक है ना, फाइवर गिग इमेज पे मैंने ये तीन चार दिन पहले ही ये वीडियो अपलोड की थी और ये कह रहे हैं कि मैंने $300 कमा लिए हैं। तो भाई अगर शहरोज अली कमा सकते हैं तो आप भी अर्न कर सकते हैं फाइवर से। अर्न करना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत चाहिए, ठीक है ना भाई। जब एक बार ऑर्डर आने लगे तो उसमें मेंटेन कैसे करें? यार अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, क्लाइंट आ गया, तो आपने ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना, आपने अपने क्लाइंट को मेंटेन करना है। मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, क्लाइंट को आपने पक्का कैसे करना है कि वो जब भी उसको कोई भी काम हो, वो आपके पास मिसाल के तौर पर आया है कि
मैंने जी एक बैकग्राउंड रिमूवल के लिए आपके पास आया कि मेरी कुछ इमेजेस हैं, मैं जो बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, ठीक है। अगर तो आप देखेंगे क्लाइंट वो फाइबर पे है और उसने वो बहुत ज्यादा और भी काम करवाया, तो आप क्लाइंट से बातचीत करेंगे, सर आपका ये काम भी मैं कर दूंगा और इसके रिलेटेड जितने भी काम है, मतलब बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, गिग इमेज हो गया, थंबनेल हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, वेडिंग कार्ड हो गया, इस तरह की जो रिलेटेड है, मैं ये सब सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं ये सब काम करके आपको दे सकता हूँ। तो आप मुझे इनमें से अगर कोई भी काम आपको पड़ जाए या आप कोई भी सर्विस बाय करना चाहें तो आप मुझसे कर लेगी बाय कर ले, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे रेट में डिस्काउंट के साथ ये सर्विस दे दूंगा। यार वही हिसाब होता है, जो जैसे आप अक्सर दुकान पे जाते हैं तो आपको एक दुकानदार डील करता है ना कि आप एक चीज लेने जाते हैं वो आपको 10 चीजें और दिखा देता है। तो जब आपके पास क्लाइंट आ जाए, आपका एक ऑर्डर मुकम्मल हो गया, जब आपने ऑर्डर डिलीवर, ये नहीं करना कि क्लाइंट अभी आया है उससे आपकी बातचीत चल रही है, उसने पहला ऑर्डर दिया नहीं और आपने 10 चीजें उसको और गिनवा दी, नहीं, पहले क्लाइंट का जो है वो ऑर्डर मुकम्मल करें, जब उसको डिलीवर करें तो उसके लास्ट में ये मैसेज भी करेंगे, सर ये आपका ऑर्डर था, ये मैंने डिलीवर कर दिया, अगर इसमें कमी पेशी है तो मुझे बता दें, अगर ये परफेक्ट है तो मुझे आप बता दें कि इसके रिलेटेड और जो भी जो जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज हैं, मैं ये सब भी आपको दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छी कीमत में आपको दे सकता हूँ। तो आप अगर इनमें से भी कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह क्लाइंट को मेंटेन करना सीखें, क्लाइंट को अपने हाथ में लाना सीखें, तो ऑर्डर आपके पास खुद ब खुद ही आते रहेंगे, ठीक है ना। 6 लोग देख रहे हैं और लाइक जो है वो 0 है, कुछ कहूंगा नहीं, आप समझदार हैं। शेरोज सर मैंने गिग 8 आवर में बनाई थी, यही तो बात है भाई, अगर आप जो है वो सर्च करके गिग बनाते हैं, मेहनत करते हैं गिग पे, तो इनशाला मेरी गारंटी है कि आपको ऑर्डर जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है यार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आप जो है अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने वीडियो बनाई, मैंने बताया कि ये कीवर्ड्स हैं, अब हर बंदा जो 400 500 600 लोग देखता है वीडियो, हर बंदा उठा के वही कीवर्ड लगा देता, भाई चेंज करें, कीवर्ड्स को चेंज करें, खुद से सर्च करें, जब खुद से सर्च करेंगे तो आपको जो है वो रिजल्ट उनका जरूर मिलेगा। ये आपके सामने जिंदा मिसाल है शिरोज अली भाई की, और जिस भाई ने नहीं इनका कॉमेंट पढ़ा तो वो भी पढ़ सकता है आगे। हमाद अंसारी भाई कह रहे हैं कि सर अगर कोई क्लाइंट हमें लिंक देता है क्या वो सेव होते हैं हैकिंग के लिए? यार हैकिंग जब भी आपका कोई भी अकाउंट हो, फाइवर हो, बैंक अकाउंट हो, आपका यूट्यूब अकाउंट है, आपका पियोनियर अकाउंट है, जब भी हैक होगा तो लिंक पे क्लिक करने से होगा। तो ये कंफर्म कर लिया करें कि वो लिंक किस चीज़ का दे रहा है, किस बारे में दे रहा है। और अगर कोई मजबूरी नहीं है तो लिंक पे क्लिक ही ना करें, उसको कहें भाई जो चीज़ भी आप मुझे क्लियर बता दें, ठीक है ना, तो लिंक पे क्लिक करने से बचा करें। अहमद रजा भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अहमद रजा भाई, आप सुनाएं कैसे हैं। शरोद अली भाई, मुनीब भाई मैं अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ? भाई क्यों नहीं बना सकते, यूट्यूब चैनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है यार, अगर आपके पास एक मोबाइल है ना, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आपका यूट्यूब चैनल बना, अगर आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं तो मतलब आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, सिर्फ आपने वहाँ पे जाके वीडियोज अपलोड करनी है, वीडियोज बनानी है, ठीक है ना। एहसन समदानी, ऑर्डर कैसे लें ज्यादा से ज्यादा? भाईजान ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेने के तरीके बता चुका हूँ, लो कंपटीशन स्किल्स बता चुका हूँ, 70 तकरीबन स्किल जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें 100 200 300 सर्विसेज अवेलेबल हैं, जाएं उन गिग्स को देखें, उन स्किल्स को देखें, और इजी स्किल्स हैं, कोई आपको मेन स्किल नहीं सीखनी, और जो काम उन स्किल्स के लिए चाहिए होता है, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने आपको सारा तरीका डिटेल के साथ बता दिया है कि ये काम इस तरह होगा, और अपनी वीडियो जो 15-15 मिनट की वीडियो है, प्लीज मुकम्मल वीडियो देख लिया करें, समझ लिया करें चीजें कि यार ये चीज ऐसे होनी है। आप अक्सर भाई जो ये कमेंट करते हैं वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और कमेंट कर दे कि ये काम कैसे हो, हालांकि वो चीज मैं उस वीडियो में बता चुका होता हूँ कि ये काम ऐसे होना है, लेकिन फिर भी स्किप कर देते हैं वीडियो को और कमेंट कर देते हैं कि भाई शायद हमें कमेंट से पता चल जाए, और जो मैंने वीडियो में चीजें बताई होती हैं वो नहीं देखता कोई भी। तो मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड वीडियो बना सकता हूँ? भाई आपकी फील्ड क्या है, आप जिस फील्ड में चाहे वीडियो बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप जिस तरह की चाहे वीडियो बना सकते हैं, जिस जो आपकी फील्ड है, जो आपका पैशन है, जो आपका शौक है, आप वीडियोस बना सकते हैं। स्टेटस पोएट्रीज, भाई कस्टमर से डीलिंग कैसे करें?
यार कस्टमर से डीलिंग करने के बारे में, हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स, मैंने एक मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ बताई हुई है। और जैसे मैंने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट किया, उसके साथ बातचीत की, मैंने उससे कैसे दूसरा ऑर्डर लिया, ये मुकम्मल तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वो वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको तफसील से चीजें समझ आ जाएंगे कि यार कैसे क्लाइंट को डील करना है। अगर वो ये बात कहे तो उसको कैसे डील करना है, अगर वो इस सिचुएशन पे आ जाए। और अक्सर ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूं, तो मैंने वो सारे जो मुश्किलात थी उस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो आप वो वीडियो जाके देख लें तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। भाई गिग को प्रमोट कैसे करें ज़्यादा से ज़्यादा? यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के, एक तो फाइवर ने ये एक फीचर निकाला है कि आप जो है वो पेड एड्स के जरिए प्रमोट कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप जो है वो फेसबुक पे शेयर करके, ग्रुप्स में शेयर करके प्रमोट कर सकते हैं। मान एनी टास्क का कोई न्यू अपडेट आया है? यार एनी टास्क के बारे में कोई न्यू अपडेट आई नहीं अभी तक, अभी बात ही चल रही है उनसे। असल में वो इलेक्ट्रोनियम जो है वो उनकी है, डिजिटल डिजिटल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है और ये इस तरह की वो करेंसी में दे रहे हैं अभी तक ना पैसे। तो उनसे बातचीत चल रही है कि यार पाकिस्तानी के लिए जो के मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनियम नहीं है, जिनको जो है वो क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता, तो उनके लिए उनकी कंट्रीज में कोई सहूलत मुयस्सर करें कि जैसे हम पाकिस्तान में तो हम डॉलर्स में या पाकिस्तानी रुपीज में जो है ये कन्वर्ट कर सके, और हमें डायरेक्ट जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में मिले, ना कि हमें इलेक्ट्रॉनियम में जाना पड़े और इलेक्ट्रॉनियम में जाने के बाद फिर हमें बैंक अकाउंट में आना पड़े। तो उनसे बातचीत चल रही है, मेरी भी चल रही है, हाफिज बासित भाई की भी चल रही है, एचबीए सर्विसेज वाले जो हैं, तो बातचीत चल रही है और वो इस चीज पे गौर कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही उसकी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अफान मून भाई, भाई व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का के लिए कोई सॉफ्टवेयर बता दें? यार व्हाइट बोर्ड एनिमेशन पे एक वीडियो मैंने मुकम्मल बताई है, आप नीचे जाके अगर देखेंगे $350 पर ऑर्डर पे एक वीडियो होगी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, वहां पे मैंने थंबनेल में बताया हुआ है, और वो बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। लेकिन व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए आपको फ्री का सॉफ्टवेयर कहीं से भी नहीं मिलेगा। अगर आपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन करनी है तो थोड़े से पैसे आपको लगाने हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन तकरीबन $1 या $2 की है, मतलब 250 से 300 रुपया लगाकर आप जो है वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अच्छी खासी तैयार कर सकते हो, बना सकते हैं, जिस तरह की चाहें आप वीडियो बना सकते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के रिलेटेड। अच्छा जी अफान, और हाँ जी भाई मुझे 3 दिन हुए हैं गिग बनाए लेकिन सिर्फ 5 क्लिक से और 71 इंप्रेशन आए हैं, क्या आज सही जा रही है? यार गिग की एसईओ अच्छी किया करें, गिग रैंक कैसे करनी है, एसईओ कैसे करनी है, इस पर मुकम्मल वीडियोस डिटेल में 15 से 20 मिनट की 22 मिनट की वीडियोस पड़ी हुई हैं। और दूसरा गिग को अगर नई गिग बनाती हो तो शेयर किया करें, लेकिन ज्यादा भी शेयर मत किया करें क्योंकि अक्सर लोग जेलस भी होते हैं और वो आपकी गिग पे रिपोर्ट कर दें या फिर नेगेटिव रिव्यू दे दें, तो आपकी गिग जो है वो जाया हो जाएगी और आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। शेयर करने के बजाय अगर आप एसईओ अच्छी करते हैं ना, और आप अपनी एक नहीं गिग 7 गिग्स मुकम्मल बनाए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने एक गिग बनाई है और इस पे इंप्रेशन नहीं आ रहे और मैं अगली गिग इस पे इंप्रेशन आएंगे तो अगली गिग बनाऊंगा, बहुत गलत बात है। इस तरह कभी भी आप फाइवर से अर्निंग नहीं कर सकते भाई। एक दिन एक गिग बनाइए, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 गिग्स तो अपनी मुकम्मल करें एटलीस्ट, और फिर उनमें से जो हाई लेवल पे जा रही है उस पे गौर करना शुरू। अब मैंने ये सारी चीजें मुकम्मल वीडियो में बताई हुई है कि आप अपनी मुकम्मल 7 गिग्स मुकम्मल करें और 15 दिन के लिए सिर्फ कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके बाद 15 दिन के बाद आपको नतीजा मिलेगा कि भाई मेरी कौन सी गिग जो है उसकी एसईओ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, और उस पर इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, और फिर उनमें जो गलतियां, अगर आपकी वीडियो आपकी गिग में जो है वो इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके थंबनेल का मसला है, आपके जो है वो टाइटल का मसला है, ताकि मतलब कि इंप्रेशन आ रहे हैं तो क्लाइंट को वो गिग आपकी शो हो रही है, शो ये, लेकिन उसने क्लिक नहीं किया। क्यों नहीं किया? या तो आपके टाइटल में जान नहीं थी, या तो आपके थंबनेल में जान नहीं। अब ये इन दो वजह की इनके बिना पर वो क्लाइंट ने उसको क्लिक नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, आपने जिस गिग पे इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे, मतलब उसकी एसईओ तो सही है, वो लोगों के पास जा तो रही है, क्लाइंट्स के पास शो तो हो रही है, लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आपने उसका थंबनेल चेंज करना है, अच्छा करना है, अट्रैक्टिव करना है, और उसके बाद उसके टाइटल में चेंजिंग लानी है, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह उस पर क्लिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी यार कमेंट्स ज्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा इंटरेस्ट की हो गई भाई, मुझे 3 दिनों चीजें हो गया। मोहसिना जमील, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सिस्टर,
भाई मुझे इन टास्क पर काम करना है सिस्टर। पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, एक और छोटा सा बना दिया जिसमें 10 से 12 वीडियो है। एनी टास्क पे एनी टास्क पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, टास्क कैसे क्रिएट करना है, इलेक्ट्रोनियम का अकाउंट, हर चीज उस प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जाके देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और अगर किसी भाई को, यार ओपनली मैं कहता हूँ कि अगर किसी भाई को कोई चीज समझ नहीं आती, वीडियो से समझ नहीं आती, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दिया करें। अगर वीडियो के नीचे आप कमेंट नहीं करते या मैं उस पर रिप्लाई नहीं कर सकता, अक्सर ऐसा होता है कमेंट्स नजर में नहीं आते। मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दे दूं, लेकिन कुछ कई दफा होता है कि मैं नहीं रिप्लाई कर सकता। तो आप मुझे फील फ्री, आप ओपनली आके मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे नहीं करना चाहता है, फेसबुक पे आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ भाई होंगे जो देख रहे हैं कि उन्होंने मुझे मैसेज किया, और मैं जितनी मुझे पता होता है मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। तो बस आप मैसेंजर पे मैसेज कर लिया करें, या फिर जो है वो अपना इंस्टा पे, अगर आपका अकाउंट है तो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर लिया करें। इंशाल्लाह जितनी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जो चीज़ वीडियो से समझ नहीं आती, लेकिन एक गुजारिश मेरी ये है कि जब भी वीडियो आती है तो यार हम मेहनत लगती है वीडियो पे, 4 से 5 घंटे लगते हैं इस 10 से 12 मिनट की वीडियो पे। तो काइंडली वो वीडियो मुकम्मल देख लिया करें, चीजें समझ लिया करें। अब मेरी कोशिश यही होती है कि यार अगर 400 बंदा भी देख रहा है, अगर उनमें से 10 बंदे भी उस वीडियो से अगर 10 बंदों को भी फायदा हो जाए ना, तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन उस वक्त आपको फायदा होगा कि जब आप चीजें समझेंगे, आप उस वीडियो को मुकम्मल गौर से देखेंगे, उन चीजों को ट्राई करेंगे। अगर आप उन चीजों को ट्राई नहीं करते, बस देख लिया छोड़ दिया, तो फिर तो फायदा नहीं होगा ना। अब यहाँ पे कुछ भाई जो कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हमने इतना अर्न कर लिया, और कल मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी कि भाई, उस भाई ने कहा कि भाई मैंने आपकी वीडियो देख के अकाउंट बनाया और विक्की अच्छी ऐसी हो, क्योंकि उसने प्रॉपर फॉलो किया कोर्स को, और कहता है कि मेरा इस मंथ में चौथा ऑर्डर है जो कि मैं कंप्लीट करके दे रहा हूँ अपने बायर को। तो भाई आप लोग भी कर सकते हैं इस तरह, लेकिन मसला यह है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, ये एक शिकायत मुझे आपसे जरूर है। शरोज अली कह रहे, मुनीब भाई अगर मुझे फाइवर पर ऑर्डर मिला हुआ बट वो क्लाइंट दूसरा ऑर्डर से दे रहा, तो मैं दूसरा ऑर्डर ले लूं या फिर अपना पहला ऑर्डर मेरे अकाउंट ऐड कर लूं? मुझे समझ नहीं है इस बात की कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं हम। शरोज अली भाई, फर्स्ट $50, फर्स्ट ऑर्डर $50, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड इज $10, गुड हो गया। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे, मेहनत करें, कोशिश करें, और मायूस कभी ना, मायूसी कुफर है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अपने अपने बाजुओं पे, अपने बाजुओं की ताकत पे यकीन रखें, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है और ये अल्लाह ताला का भी वादा है, ठीक है ना। बस मेहनत करें और अपनी मेहनत पे यकीन करना सीखें, ठीक है ना। अच्छा, मोहसिना जी मैं एंड आर्ट क्राफ्ट की सर्विस दे सकती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना कॉन्टैक्ट बता दे जहाँ मैं आपसे बात कर सकती हूँ। सिस्टर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकती हैं, अगर आपका इंस्टा अकाउंट नहीं है तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं, अकाउंट में जो है वो लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकती हैं या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकती हैं। विच फील्ड ब्रो, किस चीज़ के लिए फील्ड पूछ रहे हैं? अफान मून भाई कह रहे हैं कि भाई अगर बेस्ट गिग वीडियो बनाना है पर देन वाइट बोर्ड कहाँ से बनाएं? यार इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। अब हर चीज़ जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे जहन में भी अक्सर नहीं होती, अगर आप गिग के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए इन वीडियो के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट भी है, वो भी थोड़ा पेड है, लेकिन उस पर भी आप बहुत कमाल की वीडियोज बना सकते हो। अगर आप मेरी वीडियोज में जाके देखें तो मैंने एक फ्री का भी सॉफ्टवेयर बताया हुआ है, जहाँ से जाके आप आई थिंक ये वीडियोज बना सकते हैं। आप 30-35 सेकेंड की जितनी की गिग वीडियो के लिए चाहिए होती है तो वो फ्री का सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप वीडियोज में जाके देखेंगे तो आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन सॉरी मुझे अभी उसका नेम ज़हन में नहीं आ रहा कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा था। अच्छा जी, उसके बाद जी राफे भाई कह रहे हैं मैं लेवल 2 पर था, मेरी गिग डी रैंक हो गई थी, इलेक्शन की वजह से लेवल 1 पर आ गया हूं। तो भाई मेहनत करें जो है वो अपनी गिग को जो है दोबारा प्रमोट करें, एसईओ अच्छी करें, इंशाल्लाह आ जाएगा। मुनीब भाई हम डिसाइड कैसे 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 कितने सर्विसेज अवेलेबल देख कर समझाए, ये लो कंपटीशन है इसमें रैंक हो जाएगा? यार जो मैंने वीडियोस आपको बताई हुई है ना, उसमें आप देख सकते हैं कि ये इतनी सर्विसेज हैं, ये असल में
कीवर्ड का सारा रोला होता है कि आप कीवर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर तो आप लो कंपटीशन कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो आपकी इंशाल्लाह जरूर रैंक करेगी। अब लास्ट वीडियो में मैंने आई थिंक आपको तीन सर्विसेज ऐसी बताई हैं जो कि फाइवर के रिलेटेड हैं। अब फाइवर पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि आप फाइवर की सर्विसेज जो है वो फाइवर पे ही सेल कर रहे हैं। अब फाइवर गिग थंबनेल सेल हो रहा है, फाइवर गिग वीडियो सेल हो रही है, उसके बाद फाइवर गिग एसईओ सेल हो रही है। अब आप समझेंगे कि भाई फाइवर गिग एसईओ हमारी खुद की गिग रैंक नहीं हो रही तो हम फाइवर गिग एसईओ करके कहां से देंगे। भाई गिग एसईओ का मतलब ये नहीं होता कि आपने फर्स्ट पेज पे लाके देनी है गिग, नहीं। गिग एसईओ का मतलब होता है कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड यूज करने हैं, अच्छी डिस्क्रिप्शन करनी है, थंबनेल अच्छा बनाना है, उसके बाद आपने उसके लिए हाई रैंकिंग टैग यूज करने हैं। ये चीज ऐसी होती है, अगर आप ये प्रॉपर चीजें यूज करते हो तो इंशाल्लाह आपकी गिग एक हफ्ते के अंदर अंदर पहले पेज पे आ जाएगी और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर मिलेगा। ये शिरोज अली भाई की मिसाल आप लोगों के सामने है। और जालमो लाइक तो कर दो, 11 बंदे देख रहे हो, 5 लाइक्स हैं, मर्जी है। अच्छा मंसूर शाह कह रहे हैं गिग पर क्लिक नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे तो भाई अपने जो है वो थंबनेल चेंज करो, टाइटल चेंज करो, उसको इंप्रूव करो भाई। अगर बेस्ट गिग वीडियो अच्छा ये हो गया, एनी टास्क टास्क शो नहीं हो रहे भाई इस पे, एनी टास्क पे मुकम्मल एक प्लेलिस्ट बना के कोर्स बना के मैंने रख दिया कि टास्क क्यों नहीं शो हो रहा। इस पे भी आपको मुकम्मल डिटेल से वीडियो मिल जाएगी और आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह कि टास्क शो क्यों नहीं हो रहे आपके पास। अच्छा ऐसे गेमिंग ये हो गया, ये भाई आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? भाई मैं पाकिस्तान में इंडिया के पास से हूँ, भावलपुर से हूँ बेसिकली। अच्छा जी एचआर सर्विसेज सर फाइवर पे गिग लगे 2 माह हो गए लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो भाई गिग को 2 महीने हो गए तो अगर उस पर ऑर्डर नहीं मिल रहा तो गिग डिलीट कर दें, न्यू बना लें, कौन सा हमारे पैसे लग रहे हैं। अब अपवर्क ने तो थोड़ी चेंजिंग कर दी, 1 साल हो गया कि वो पैसे लेते हैं, लेकिन फाइवर ने ये फ्री खाता रखो कि आप गिग्स बनाएं, अगर गिग पे अच्छे इंप्रेशन नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं मिल रहा तो उसको डिलीट करें, नई गिग बनाएं, उसकी अच्छी एसईओ करें, अच्छे तरीके से उस पर थंबनेल लगाएं, उस पर जो है वो टाइटल अच्छा लिखें, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखें, इंशाल्लाह ऑर्डर मिल जाएगा। आप एक ही गिग बना के तो ना बैठे रहें कि भाई इसी पे ऑर्डर लेना है, जिद तो ना करें ना बायर के साथ आप। अच्छा जी आगे भाई क्या कह रहे हैं जी, नया रोज भाई फाइवर में क्लाइंट्स ऑर्डर से लेने से पहले फाइवर में किया पेमेंट मेथड ऐड करना जरूरी है? अगर मैं पेमेंट मेथड बाद में, यार पेमेंट मेथड आप बाद में ऐड कर सकते हैं फाइवर पे, आप जो है वो अपना आपके जो डॉलर्स हैं ऑर्डर आपको मिल गया आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फाइवर पेमेंट मेथड आप बाद में पेयोनियर का जो भी आप ऐड करना चाहते हैं ऐड करने के बाद अपने अपने बैंक में ले आ जाएगा, कोई इशू नहीं, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। भाई आप एक टाइम रख लें और हर वीक 2 दफ़ा लाइव आया करें यार इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है मैं कि उसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी हूँ, इंशाल्लाह मैं जैसे फ्री होता हूँ तो मैं 1 वीक में इंशाल्लाह एक दफ़ा संडे वाले या दिन या सैटरडे वाले दिन जिस दिन आप कहाँ कहेंगे वोट ले लूँगा, पोस्ट कर दूंगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह उस दिन हम जो है वो किसी भी टाइम रात के टाइम या दिन के टाइम जो है वो लाइव सेशन रख लेंगे और हर वीक में एक दफ़ा जो है वो लाइव आ जाया करूँगा। यार असल में लाइव आने का मकसद ये होता है कि जो आप कमेंट्स करते हैं ना तो उनमें से अक्सर कमेंट ऐसे होते हैं कि उनको मैसेज पर समझाना मुश्किल होता है, तो लाइव आने का मकसद ये होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ आप भाइयों को समझ नहीं आ रही तो मैं लाइव आपको आपको क्लियर कर दूँ। पता नहीं मैं मेरे समझाने का अंदाज कैसा है, आपको समझ आती है या नहीं, लेकिन मेरी दिल से यही कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, जितना मुझे पता है मैं आपको उससे बेहतर बता सकूँ, नहीं तो जितना मुझे पता है मैं उतना तो आपके साथ शेयर कर सकूँ, उतनी तो आपकी प्रॉब्लम हल कर सकूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरे मेरे बस में है। तो बस यही कोशिश होती है कि आप लोगों की जो है वो जो भी सवाल हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो आपकी आपके साथ उसका जो हल है वो शेयर कर दूँ। तो लाइव आने का अक्सर में असल मसला यही होता है। अच्छा वर्ल्ड टॉप 5 भाई मैंने फर्स्ट 160 फाइवर से अर्निंग कर ली है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ये दूसरी मिसाल आप लोगों के सामने आ गई, वो कह रहे हैं कि $160 फर्स्ट ऑर्डर पे कंप्लीट इसने अर्निंग कर लिया। तो भाई लोग आप भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना सीख लें, थोड़ा सा टाइम दे दें फाइवर को, गिग पे टाइम दे दें, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सारा कमाल फाइवर पे अर्निंग करने का सारा दारोमदार इसी पे है आपकी गिग पे। गिग अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी बहुत जल्द मिल जाएंगे, ठीक है ना।
मसना जमील भाई, मेरी एक टास्क लगा हुआ है एनी टास्क पर, प्लीज उसे चेक कर लें। सिस्टर आप लिंक सेंड कर दें इंशाल्लाह, अगर मेरा टाइम लगा तो मैं आपका लिंक चेक कर लूंगा, और अगर ना चेक कर सका तो आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस नहीं करता आपसे। नहीं रोची, आई वांट टू ऐड माय विड्रॉ सिस्टम लेटर, नो आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, कैन आई टेक माय पेमेंट इन फाइवर, आई मीन इफ क्लाइंट्स पे मी देन द मनी विल स्टे इन फाइवर, विल आई विड्रॉ मनी लेटर। जी बिल्कुल भाई, आप मनी जो है विड्रॉ कर सकते हैं, लेटर भी कर सकते हैं, आप जब चाहें कर सकते हैं। आपके पैसे आपके अकाउंट में फाइवर में आ गए, कहीं नहीं जाने वाले, आप जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। भाई फाइवर के बाद कौन सी अच्छी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जिसमें हम फाइवर के साथ साथ वर्क करें? यार अपवर्क अच्छी साइट है, लेकिन अपवर्क पे आप उसने उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बना दी हैं, सख्तियां कर दी हैं। आजकल तो अपनी प्रोफाइल भी अप्रूव करने के लिए आपको जो है वो किसी क्लाइंट से पहले ऑर्डर लेना पड़ता है। आप जो है वो फाइवर अपवर्क पे अगर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो आपका क्लाइंट आगे अगर आपको ऑर्डर देता है तो आपकी वो प्रोफाइल अप्रूव होगी। उसके बाद जो है वो, वरना अगर कोई आपको ऑर्डर नहीं देता तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपवर्क जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया न्यू फ्रीलांसिंग के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, लेकिन आप फाइवर के साथ साथ आप यार एनी टास्क ऑप्शन है। लेकिन इस पर मैं इतना जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारा पेमेंट मेथड जो है वो क्लियर नहीं किया, क्रिप्टो करेंसी में रखा हुआ है, बातचीत उनसे हो रही है, लेकिन बहुत मजे की साइट है एनी टास्क भी। अगर नहीं पता किसी को एनी टास्क का तो इस पे मुकम्मल जो है वो वीडियोज मैंने बता दी है, बना दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, टास्क कैसे क्रिएट करना है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद freelancer.com है, guruji.com है, बहुत सारी जो साइट्स हैं उन पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन जहां भी आप जाएंगे आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, जहां भी जिस भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फाइवर जो है वो सबसे इजी है मेरी नजर में, क्योंकि एक तो यहाँ पे इनकी पॉलिसीज थोड़ी सख्त हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से गिग बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से गिग को शेयर भी कर सकते हैं, उस पर इंप्रेशन ले। ये थोड़ा सा इजी है न्यू बंदे के लिए, न्यू फ्रीलांसर के लिए, कि वो न्यू जो बंदा आता है तो उसके लिए ये फाइवर थोड़ा सा इजी है। बाकी जो है वो उनकी पॉलिसीज सख्त हैं, उनकी जो है वो कुछ शराय सख्त हैं, वो मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन फाइवर बहुत इजी है न्यू बंदे के लिए, और समझना भी इसको आसान है। अच्छा, और हाँ डी भाई फाइवर वर्ल्ड भाई, मैंने फर्स्ट ऑर्डर 160 का अर्न कर लिया। भाई मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको और ज्यादा जो है वो अर्निंग करने की तौफीक दे, अल्लाह आपकी इस कमाई में, इस रोजी में, रिस्क के हलाल में बरकत नसीब फरमाए। भैया मैरिड हो या और नॉट एंड एज, भैया ना आपने क्या करना है, अभी तक कुंवारा हूँ, आपको लग रहा हूँ कि मैं मैरिड हूँ, नहीं शादीशुदा नहीं हूँ अभी तक भी मैं। अच्छा, YouTube वीडियो फाइवर के साथ पेनियर का अकाउंट कैसे अटैच करते हैं? यार बहुत सिंपल है, जहाँ पे आप पेमेंट मेथड पे अर्निंग पे क्लिक करेंगे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे पेनियर का, उनके फाइवर का, तो उसके पे बैंक ट्रांसफर पे आई थिंक क्लिक करें और अपना पेनियर का अकाउंट उसके साथ अटैच कर दें, बहुत ईजी है। अगर नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब पे वीडियोज पड़ी होंगी, जाके वो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। नयान रोचक, थैंक यू सो मच भाई फॉर योर रिप्लाई, लव यू फ्रॉम, थैंक यू भैया, लव यू टू। अच्छा, उसके बाद जी भाई मुझे बताना जरूर के टास्क सही था। ओके सिस्टर, आपने सेंड कर दिया लिंक तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बता दूंगा। अच्छा जी, अच्छा पाकिस्तान बेस्ट बैंक कौन सा है जिसका अकाउंट के लिए, किसके जिसके अकाउंट के लिए? यार यूबीएल भी अच्छा है, अलाइड बैंक भी अच्छा है, आप सब बैंक अच्छे हैं, लेकिन यूबीएल और अलाइड अच्छे हैं, आप जिसमें चाहें अकाउंट बना सकते हैं, आपको जो मुयस्सर हो, जो अवेलेबल हो इजीली। अच्छा, मैं यूट्यूबर हूँ, आप पेज और ग्रुप लिंक करने पे वीडियो बनाएं? यार इंशाल्लाह बन जाएगी वीडियो इस पे भी। भाई ब्यूटीफुल बैकग्राउंड फिश बैंक, हाँ यार ये मेरी फिश है, ये मुझे बहुत ही प्यारी हैं और ये तकरीबन 4-5 साल से मेरे पास ही हैं और मेरी बहुत फेवरेट हैं। और ये तो ये वाली जो है ना, ये 4 साल की हो गई है, ये बाकी जो है ये तीनों न्यू हैं, ये सबसे फेवरेट है मेरी, जो कि 4-5 साल की तकरीबन हो चुकी है। और किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम फाइवर के बारे में, अपवर्क के बारे में, किसी को? सिल्वा जेंसर ग्राफिक डिजाइन के अंडर आता है लोगो डिजाइन? बिल्कुल, ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है लोगो डिजाइनिंग, हर हर चीज उसके अंदर ही आती है।
ग्राफिक डिजाइनिंग मेन स्किल है, उसके अंदर लोगो डिजाइन आ जाता है, ग्राफिक्स पे वेब डेवलपिंग, ये चीजें भी उनके अंदर ही तकरीबन आ जाती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। यार शुरू में आप लोगों के लिए एक मशवरा है, जो कि न्यू फ्री, एक तो बंदा जो है वो फाइवर पे अपनी स्किल का मास्टर है, मतलब एक लोगो डिजाइन एक्सपर्ट है, ठीक है, वो फाइवर पे गिग बनाता है और वो जो है ऑर्डर लेता है, उसको हर चीज का पता है। लेकिन एक न्यू बंदा है, लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हैं, आपको लोगो डिजाइनिंग आती है लेकिन आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं, लेकिन आप जो है वो सीखने से पहले ही आके देखा देखी आके जो है वो फाइवर पे गिग बना देते हैं लोगो डिजाइनिंग की, ठीक है। जब आपके पास क्लाइंट आ जाता है तो आपको समझ नहीं आती, और आप वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकते जब तक आपको प्रॉपर इलम नहीं है, आपके आपको मालूमात नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है अपनी स्किल का, तो आप उस पर प्रॉपर गिग बना ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जिस चीज का मुकम्मल नॉलेज ना हो तो उस पर गिग मत बनाया करें। अब जो जिस तरह के स्किल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनके लिए आपको मुकम्मल नॉलेज की या प्रॉपर स्किल की जरूरत नहीं है, वो सिंपल स्किल है, आप पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते कर सकते हैं, उन स्किल पे गिग्स बनाए, आप पब्लिश कर दें, इंशाल्लाह आपको जो है वो ऑर्डर मिल जाएंगे और आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। वो तो है शॉर्ट स्किल्स या पार्ट टाइम स्किल कह सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक मेन स्किल सीख लें, वेब डेवलपिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें या डाटा एंट्री सीख लें। डाटा एंट्री की फील्ड में बहुत स्कोप भी है, बहुत ऑर्डर भी है, बहुत काम भी है। और दूसरी मजे की चीज ध्यान में आ गई कि डाटा एंट्री में मैंने जैसे पहले भी अपनी एक दो वीडियो में कहा था, और अक्सर अगर कोई भाई देख रहा है जो मेरे सब्सक्राइबर्स में से जिनको मैंने काम दिया हुआ है डाटा एंट्री के रिलेटेड, तो वो यहाँ पे कमेंट कर देगा, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा तो मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं, तो मैं अगर आपने मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन किया हुआ तो मैं वहां पे एक पोस्ट करता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता हूँ कि भाई मुझे डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जिसको डाटा एंट्री वर्क आता हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, मैं उनको वर्क दे देता हूँ और साथ में काम समझा भी देता हूँ, लेकिन वो पेड टास्क होता है, मैं उनको उसके पैसे भी देता हूँ, फ्री में नहीं करवाता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, आप सब लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को काम दूं, जिनको फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिल रहा या जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको काम आता है लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो मैं उन भाइयों को ही ऑर्डर देता हूँ। अक्सर आप में से अगर किसी ने मेरे लिए काम किया या कोई देख रहा है तो वो बता दे, लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स में से, फॉलोअर में से हैं जिनको मैंने काम दिया और वो मेरे लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी काम चाहिए, मतलब आप पेड काम करना चाहते हैं मेरे लिए या मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, अपने जो है वो स्किल बता दें कि आप किस स्किल पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब भी मेरे पास उसके रिलेटेड वर्क आएगा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा और आप लोगों में तकसीम करूंगा, मुख्तलिफ टीम बना के मैं वो वर्क जो है वो तकसीम कर देता हूँ कि भाई आपने इतना करना है, आपने इतना करना है, और उस हिसाब से आप लोगों की पेमेंट मैं जो है वो जैज कैश के जरिए कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भाई जिसको फाइवर पर ऑर्डर नहीं मिल रहा या काम करना चाहता तो वो मुझे इंस्टा पे आके मैसेज कर दे और बता दे कि सर मैं इस स्किल पे काम कर रहा हूँ और मुझे जो है वो ऑर्डर चाहिए या मुझे वर्क चाहिए, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वर्क दे दूंगा। उसके बाद जी मोहसिन जी मिल करें फाइवर पे, भाई फाइवर का पेमेंट बता दें प्लीज, क्या बता दें पेमेंट मेथड, अच्छा पेमेंट मेथड बता दें, पेमेंट मेथड पेयोनियर के पाकिस्तान में ज़्यादा लोग पेयोनियर यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं यूज कर रहे हैं। आप पेयोनियर के जरिए जो है अपना पेयोनियर का अकाउंट आप फ्री में बना सकती हैं, उसके बाद बनाकर आप उसको जो है वो फाइवर के साथ लिंक कर लें और आपकी पेमेंट उसमें आ जाएगी। और पेयोनियर के अकाउंट को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने के बजाय अगर आप जैज कैश के जरिए जैज कैश के ऐप के साथ लिंक कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक अकाउंट में से अगर आप लिंक करेंगे तो आपको जब आपके $100 होंगे तब आपके ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर आप जैज कैश के साथ लिंक कर लेते तो आपका $1 भी है तो वो निकल आएगा उसमें से, लेकिन अगर बैंक के साथ लिंक करते हैं तो उसको आपको $100 मुकम्मल करने पड़ेंगे, उसके बाद आपके जाके वो जो है वो जैज कैश विदड्रॉ होगा वहां से। रुबेल राणा, हेलो रुबेल राणा, हेलो सर, हेलो भाई, अच्छा और आंटी भाई आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर पे? यार मेरी बहुत सारी सर्विसेज हैं, मेरे कुछ अकाउंट में मैं ज़्यादा अपवर्क पे वर्क करता हूँ, फाइवर पे भी हूँ। आप जिस सर्विसेज पे भी जो भी सर्विस स्किल आपकी है आप उस रिलेटेड मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें अपनी स्किल के बारे में, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस रिलेटेड जो है मेरे पास जब भी प्रोजेक्ट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। भाई आप कब से फ्रीलांसिंग करके और क्वालिफिकेशन? यार मुझे कोई तकरीबन 4 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए,
भाईजान फाइवर अकाउंट पे मेरा नेम है, लेकिन मैंने पियोनियर अकाउंट पापा के नेम से बनाया हुआ है और पापा के अकाउंट भूल गया है भाईजान। अर्निंग वाले में कोई इशू तो नहीं आएगा? नहीं, कोई इशू नहीं आएगा, इसका कोई मसला नहीं है। आपने जिसके नेम से भी अपना पियोनियर अकाउंट बनाया, अगर पापा के नेम पे है तो आप अपने नेम पे बना लें। पियोनियर अकाउंट बनाना कौन सा मुश्किल है, तो आप अपना अकाउंट भी पियोनियर का बना सकते हैं। अगर नहीं भी है उसका भी लिंक कर दूं तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इसमें इशू नहीं है कोई भी। मोहसिना जमील, जजाकल्ला भाई, थैंक यू सिस्टर। अच्छा जी, सर इंस्टा आई डी, यार मेरे चैनल पे जाएं आपको लिंक मिल जाएगा, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं वहां पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, फेसबुक का भी, फेसबुक ग्रुप का भी, पेज का भी, इंस्टा का भी, ट्विटर का भी, सारे सोशल मीडिया लिंक जो है वो वहां पे मिल जाएंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। आई एम फाइन ब्रो, हाउ अबाउट यू? आप कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और सब देखने वाले, सब चाहने वाले, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको ठीक रखे, खैरियत से रहे, हमेशा खुश रहें और लाइफ को एंजॉय करते रहें। डब्ल्यू डब्ल्यू धमाका, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या क्या हैं आपके हैं? यार इतने फनी मैसेज तो ना किया करो भाई, क्या हैं आपके, समझ नहीं आई। वालेकुम सलाम तो मैंने कर दिया कि मेरे क्या हैं भाई, क्या हैं आपके, कितने भाई हैं मेरे, दोबारा मैसेज कर दें। अच्छा, क्या हाल हैं आपके? मैं भी ये परेशान था कि क्या है मेरे, मेरे बारे में क्या पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल ठीक, आप लोगों के सामने बैठे हूँ, हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ, और अल्लाह ताला से दुआ ये है कि आप भी हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर लें। अच्छा जी, जजाकल्ला भाई, सर इंस्टा आईडी ठीक हो गया, और किसी भाई का? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखें, खुश रखें, खुशियां नसीब करें उम्र भर। अल्लाह अकबर, 2M 2 मिलियन भाई? जी भाई, वर्ल्ड भाई, आपका ग्रुप है? हाँ, आपको लिंक मिल जाएगा, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं तो फेसबुक ग्रुप के नाम से आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, फाइवर फाइवर एंड अपवर्क अर्निंग इन पाकिस्तान, इस नेम से मेरा ग्रुप है, तो आपको मिल जाएगा, और उसमें मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और उसके लिए मुझे एक यार मॉडरेटर भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं अप्रूवल के लिए, तो मैं टाइम नहीं लगता, तो अगर कोई भाई जो है वो मॉडरेटर बनना चाहे तभी वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंशाल्लाह, अगर उसके पास टाइम हो और वो ग्रुप हैंडल कर सकता हो तो मैं उसको उसका मॉडरेटर भी बना दूंगा। अच्छा जी, काशिफ मुगलाम, वालेकुम सलाम काशिफ भाई। सर इंस्टाग्राम ऑडियंस एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, यूआरएल लिंक डालता हूँ उसमें, लेकिन आगे से प्रोसेसिंग नहीं होती और यूजर नेम टैग नहीं करता वो सॉफ्टवेयर। यार एक तो उसकी शायद कोई अपडेट आ गई हो, तो अगर अपडेट आ गई हो तो मुझे नहीं मालूम उसके, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा पहले उस पर वीडियो बनाई थी। और दूसरी बात यह है कि अगर यूज़र ने वो प्रोसेसिंग नहीं करा तो आप उसमें जिस पे आपने लॉग इन किया हो, एक तो लिंक जिसका आपने फॉलोअर एक्सट्रैक्ट करवाने होते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है वो डालते हैं, एक होता है कि जिस पे जो पहले आप जिस पे वो सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं, तो आप न्यू अकाउंट बना के उस पे उसको लॉगिन कर लें। अक्सर ये होता है कि आपके जो अकाउंट है वो पहले यूज हो चुका होता है, तो अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर लॉगिन नहीं होता और वर्क नहीं करता। तो अगर आपको ये आ रही है प्रॉब्लम, तो आप जो है वो न्यू इंस्टा का अकाउंट या किसी और अकाउंट को जो है वो के जरिए उसको लॉगिन करें और फिर उसको प्रोसेस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह को टूम भाई, भाई आप वाइट बोर्ड एनिमेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं वाइट बोर्ड एनिमेशन की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दोस्त हैं वो एनिमेशन, वाइट बोर्ड एनिमेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। रुबेल राणा, थैंक्स, आई एम ग्रेट, आई वॉच एवरी वन ऑफ योर वीडियोज, आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, बट आई ट्राई अ लॉट टू वॉच एंड वर्क ऑन योर वीडियोज, थैंक यू ब्रो। रुबेल राणा, वेयर यू फ्रॉम ब्रो? आपको क्यों लैंग्वेज समझ नहीं आती मेरी, तेज बोलता हूँ, स्लो बोलता हूँ, या आपको वैसे उर्दू लैंग्वेज समझ नहीं आती? काशिम, इंशाल्लाह, थैंक्स ब्रो, वेलकम ब्रो। यार अच्छा सूरज भाई, वीडियो कैसे बनाते हो यूट्यूब के लिए? जैसे यहाँ पे बैठा हूँ ना भाई, ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ,
कोई मेरा कोई अलग मेथड नहीं है, सिंपल सा मेरा ये रूम है, मेरा ही रूम है। अपने रूम में बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मेरी फिशेस पड़ी हुई है थोड़ी सी, पहले बैकग्राउंड मैं चेंज कर देता था लेकिन अब मैंने प्रॉपर यही बैकग्राउंड रखा हुआ, और मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ फिलहाल। तो एक रिंग लाइट है और एक मेरे पास मोबाइल है सैमसंग का, उसके जरिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और अभी भी वीडियो जो है वो उसी पे ही चल रही है। तो अगर आपके पास यार यूट्यूब पे काम करना है तो आपको कोई महंगा कैमरा नहीं चाहिए, महंगा लैपटॉप नहीं चाहिए। आप मेरे अगर वीडियो जाके देखें तो पहली 50 वीडियो जो है वो मैंने मोबाइल पे ही एडिट करके अपलोड किया, उसके बाद मैंने लैपटॉप पे एडिट करना शुरू कर दिया और सॉफ्टवेयर पे एडिट। आप जो है वो काइन मास्टर आपको मिल जाएगा, और अच्छी खासी आप उस पर वीडियो एडिट कर सकते हैं, हर किस्म की आप जो है एडिटिंग कर सकते हैं काइन मास्टर पे। YouTube पे काम करना सबसे आसान है, लेकिन थोड़ा सा इस पे वेट करना पड़ता है। वेट करेंगे, YouTube आपसे वेट करवाएगा, मेहनत करवाएगा। मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन देख लेंगे, आप लोगों के सामने है कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, कितने प्रॉपर वीडियो रोजाना डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लोगों की दुआ से इंशाल्लाह ये मोनेटाइज भी एक ना एक दिन हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा इस पे सब्र करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है अगर YouTube पे काम करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि YouTube पे आएंगे तो आप पहले महीने में ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं होंगी, आपको प्रॉपर इस पे काम करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आपको वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी और आपको एक रूटीन से यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं, अच्छा वो नहीं है, मेरे पास लाइटिंग नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो भाई ये चीज़ें कभी भी नहीं आएंगी जब तक आप सोचते रहेंगे। मोबाइल है एक सिंपल, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ना, स्टार्ट उससे कर दें, इंशाल्लाह ये चीज़ें खुद ब खुद आपके पास चलती है, चल के खुद आएंगी। मैं प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि भाई पहले मैं पीसी लेके आऊँ, पहले मैं कैनन का 1.5 लाख का कैमरा लेके आऊँ, अच्छी सी लाइटिंग बनाऊँ, एक स्टूडियो बनाऊँ, उसके बाद वीडियो जाके शूट करना शुरू कर दूँ, तो ये आप फिर सोचते ही रहेंगे, फिर आप काम नहीं कर सकेंगे यूट्यूब पे। काशिम मुगल भाई कह रहे हैं, एक और बात सर, मार्केट में कुछ लोग यूट्यूब सर्विसेज और फॉलोअर्स इंस्टाग्राम वगैरह की सर्विसेज सेल करते हैं, उसका कोई सॉफ्टवेयर है या कोई वेबसाइट है या कोई इस तरह कोई यार ये जो लोग सर्विसेज कर रहे हैं, ये तो एक तो ये है कि इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाए होते हैं, उनपे जाके ये दे देते हैं सर्विसेज। अब 1,000 सब्सक्राइबर बनाना, मैं एक लैपटॉप में 20 जीमेल बना लेता हूँ, 20 जीमेल अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट बना लेता हूँ, और इसी तरह अगर 15 20 50 लैपटॉप मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं 1,000 सब्सक्राइबर तो एक दिन में आपको दे सकता हूँ। लेकिन उन सब्सक्राइबर्स का, उन फॉलोअर्स का कोई फायदा नहीं है मुझे। क्यों फायदा नहीं है? कि फायदा तब होगा कि जब वो उस सब्सक्राइबर का फायदा होगा आपको, जो आपकी वीडियो देखेगा, जो आपकी वीडियो लाइक करेगा, कमेंट करेगा। अब आपके पास रैंडमली फ्री के सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं, आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके 1 2 व्यू भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब करके उस यूजर को ही बंद कर देना, खत्म कर देना, उनको आपकी वीडियो देखने से मतलब नहीं है, उनको आपके सब्सक्राइबर पूरे करने से मतलब है, तो उनको आपकी वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अगर आप खरीद भी लेते हैं, बाय भी कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर, तो आपको उनका कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपनी वीडियो का या अपने यूट्यूब चैनल के लिए वॉच टाइम पूरा करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, टाइम के साथ साथ आपका जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा, उस पर जो है वॉच टाइम पूरा होगा और व्यूज आना शुरू होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि 10,000 मैं सब्सक्राइबर भी बाय कर लूं, तब भी आपको उनका कोई फायदा नहीं होगा मेरी नजर में। अच्छा जी, शियान मुगल कहने, यार एक बायर ने मुझे रेटिंग 3 दी है फर्स्ट ऑर्डर पर, अब मैं न्यू सेलर था, फर्स्ट ऑर्डर था, तो अब मैं बायर रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर पा रहा, तो अब मैं क्या करूं भाई? वेट करें, कोशिश ये किया करें कि यार फाइवर पे आपको, ये फाइवर किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, कि बायर आपको रेटिंग कम ना दे के जाए। पूछ लें बायर से कि भाई आपको आपको मेरा काम पसंद आया या नहीं आया, अगर पसंद नहीं आया तो मुझे दें, मैं दोबारा आपको ठीक तरीके से करके दे। थोड़ी मेहनत कर लें अपनी, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की बजाय अपनी आप पूरी जो 80% मेहनत की होती है उसको ज़ाया करवा बैठते हैं। अब आपको 3.5 रेटिंग देके चला गया, क्या फ़ायदा हुआ? अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके 5 स्टार रेटिंग ले लेते तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा था। अब आप जब भी क्लाइंट से, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब भी क्लाइंट से ऑर्डर लें तो उससे पूछ लिया करेंगे, सर प्लीज़, ये भी नहीं कहना कि आप लाजमी मुझे जो है वो 5 स्टार रेटिंग दें, उसको कहेंगे सर इफ यू लाइक माय वर्क देन प्लीज गिव मी 5 स्टार रेटिंग, गुड रिव्यू, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दें और एक अच्छा रिव्यू दे दें। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है काम में तो मुझे वापस बैक दें, मैं आपको ठीक करके देता हूँ, मैं आपको और बेहतर बना के देता हूँ। जब तक आपका जो है वो वर्क आपको पसंद नहीं आएगा तब तक मैं आप ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड मत कीजिएगा, ऑर्डर जो है वो कंप्लीट मत कीजिए।
तो आप इस तरह बायर से पोलाइटली बात करें, उससे अच्छे अंदाज में बात करें, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको जो है वो कम रिव्यू कम रेटिंग नहीं देके जाएगा बायर। वर्ल्ड टॉप फाइव डन भाई, मैं मैसेज करता हूँ, मैं भी ग्रुप, मेरा भी ग्रुप है, यूट्यूबर हूँ। ओके भाई, भाई आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? यार अभी तकरीबन 1500 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, क्योंकि एक बंदे से कॉन्टेक्ट हुआ, वो स्टूडेंट था मेरे कॉलेज का, वो ये सर्विस सेल करता है, साथ में उसके पास उसी सॉफ्टवेयर में नेटफ्लिक्स वगैरह की आईडीज भी मिलती हैं। होते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों में ज्ञान नहीं हूँ, और मैं ना कभी प्रेफर करूँगा कि भाई आप इन तरीकों से सब्सक्राइबर लें, फॉलोअर्स लें। भाई जो रियल है वो रियल है, जो फेक है वो फेक है, ये आपको भी पता है। तो रियल में और फेक में क्या फ़र्क है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। काशिम बोला भाई मैंने बहुत सर्च की लेकिन नहीं मिला कुछ भी ऐसा इस बारे में। भाई मेरे 10 के सब्सक्राइबर हैं और मोनेटाइज नहीं अभी तक। 10 के सब्सक्राइबर हैं और मोनेटाइज नहीं हुआ, किस बारे में आप चैनल वीडियोस बना रहे हैं? आप वीडियो मोनेटाइजेशन अभी वाइट टाइम पूरा नहीं हुआ या अभी तक अंडर रिव्यू है आपका चैनल? I am from Bangladesh. I cannot speak any language between Urdu and Hindi, so I have a little problem understanding it. But I try to watch it. And thank you very much for sharing this video. Okay, bro. कोशिश ये करूँगा कि next videos में मैं आपके साथ कुछ जो है वो English में बात कर लिया करूँगा, कुछ जो है वो उर्दू में बता दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके, ठीक है ना। और मैं आपको वैसे चीज़ें देखने वाली होती हैं, अगर आप मुकम्मल तफसील से वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको चीज़ सुनने के बावजूद भी समझ आ जाएगी कि ये काम कैसे होना है। और आप पढ़ सकते हैं, जो भी मैं स्किल बताता हूँ, जो भी मैं चीज़ बताता हूँ, वहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं पढ़ कर के ये बंदा क्या कह रहा है, क्या दिखा रहा है हमें। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको भी समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा जी, पठान टेक्निकल, मेरी गिग फर्स्ट पेज पर फर्स्ट रो पर रैंक कर रही है बट ऑर्डर नहीं आ रहे, सर क्या करूं? भाई किस बारे में रैंक, अगर फर्स्ट रो में रैंक आ रही है तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ऑर्डर मिलेगा। लाइव जैन सर, अगर कोई नया हो फाइवर में और तो उसे क्या करना चाहिए, और उसमें कोई स्किल नहीं हो तो उसे कौन सी स्किल सीख कर ऑफर मिलने ज़्यादा चांस हैं? यार आप लोगों के साथ मैंने तकरीबन 60 से 70 स्किल्स शेयर की हैं, जो कि न्यू फ्रीलांसर्स के लिए ही हैं स्पेशली, ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट है, जाएं सबको वॉच करें, मुकम्मल तरीका भी बताया हुआ है कि ये वर्क किस तरह होना है, ठीक है। जो स्किल आपको इजी लगती हैं, जिस जो आपको लगता है कि आप ये वर्क इजीली कर सकेंगे, उन उन स्किल्स पे जाके अपनी 7 गिग्स मुकम्मल कर लें। आप 60 स्किल्स में से 70 स्किल्स में से आपको 7 गिग्स बनानी हो तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इनमें से 7 सर्विसेज सेलेक्ट करके आप जो है वो गिग बना सकते हैं, अपने फाइवर अकाउंट कम्प्लीट कर सकते हैं। 70 सर्विसेज 70 स्किल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि लो कॉम्पिटिशन है और उनमें ऑर्डर्स भी अच्छे खासे लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लेट करेंगे, देखेंगे नहीं, गिग्स नहीं बनाएंगे, तो दिन ब दिन कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता चला जाएगा। जाएं उस प्लेलिस्ट को देखें, और आपको मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 50 स्किल फाइवर स्किल के नाम से, और उसमें तकरीबन 50 से ज्यादा स्किल्स हो चुकी हैं, ठीक है। एक वीडियो में मैंने 5 4 3 2 4 5 4 3 2 इस तरह स्किल्स हर वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और मुकम्मल तरीका भी उसका बता दिया कि ये काम कैसे होना है, ठीक है। अच्छा जी सर, एफिलिएट मार्केटिंग कैसा है अगर करें तो? यार एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। न्यू अगर आप सीख के करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर आपको कुछ इल्म नहीं है तो फिर इस पंगे में मत पड़िए, कुछ सीख लें, सीखने के बाद जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू